11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली फिल्म गदर 2 इन दिनों काफी हद तक चर्चाओं में है और शुरुआती आंकड़ों की बात करें तो सुबह से ही भारी ऑक्युपेंसी देखने को मिली, जिसके चलते फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन को लेकर प्रेडिक्शन भी लगाए जा रहे हैं। कई सारे जानकारों का मानना है कि फिल्म गदर 2 पहले दिन करीब 40 करोड़ रुपए के आसपास का कारोबार कर सकती है, तो वहीं दूसरी ओर कई लोगों का यह भी मानना है कि यह फिल्म पठान फिल्म के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर सकती है। हालांकि इतना भी आसान नहीं है। 22 सालों के लंबे अंतराल के बाद फिलहाल अब फिल्म का दूसरा भाग आखिरकार रिलीज हो गया है। फिल्म में तारा और सकीना की वही पुरानी जोड़ी नजर आ रही है। सनी देओल और मिशा पटेल की केमिस्ट्री एक बार फिर से लोगों को पसंद आ रही है। फिल्म को सोशल मीडिया पर दर्शकों के अच्छे खासे रिव्यू भी मिल रहे हैं। गदर 2 को देखकर लौट रहे दर्शकों का मानना है कि फिल्म पैसा वसूल रही है। फिल्म एंटरटेनर होने की वजह से फिल्म की टिकट धड़ल्ले से भी बिक रही है। एडवांस बुकिंग के मामले में इस फिल्म ने शाहरुख खान की फिल्म पठान और अक्षय कुमार स्टार फिल्म ओ माय गॉड 2 के एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया था, लेकिन फिल्म की कमाई को लेकर कभी भी कुछ अटकलें लगाई जा रही। सनी देओल और मिशा पटेल की फिल्म गदर 2 पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 35 से 40 करोड़ रुपए तक की कमाई करने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिल्म का ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आदि पुरुष और रॉकी और रानी प्रेम की कहानी जैसी हिट फिल्मों के रिकॉर्ड को भी तोड़ने वाली है। हालांकि पठान का 57 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड टूटने से बच जाएगा। पहले वीकेंड के बाद फिल्म की कमाई 100 करोड़ के पार जाने की उम्मीदें भी जताई जा रही है, लेकिन ऐसा होना इतना भी आसान नहीं है। शुरुआती आंकड़ों की बात करें तो मिले खराब रिव्यू की वजह से फिल्म के कलेक्शन पर बुरा असर देखने को मिल सकता है। यहां तक कि लोगों ने इस फिल्म को रिव्यू देते हुए कह दिया है कि यह थर्ड क्लास भोजपुरी फिल्म है, जिस फिल्म में कोई भी इमोशन नहीं है। साथ ही और भी कई सारे ऐसे भी रिव्यू आए हैं जिसके चलते अब इस फिल्म की काफी ज्यादा किरकिरी हो रही है।